हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स महाभारत का युद्ध दो सेट्स ऑफ कजिन्स के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ से 5 पांडव और उनके साथ में उनकी 15 लाख सेना, और दूसरी तरफ से 100 कौरव और उनके साथ में 24 लाख सेना। पांडवों के पास इतनी कम सेना होने के बावजूद भी पांडव ये युद्ध जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण थे। फ्रेंड्स, हमारा जो माइंड है वो भी कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है। यहां पर हर दिन हर पल अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई चल रही है, सही और गलत के बीच में लड़ाई चल रही है। कौरव और पांडव लड़ रहे हैं हर पल। यूं कहिए कि मेरे दो हिस्से हो चुके हैं, एक अच्छा और एक बुरा इंद्र। अब बुरा इंद्र बहुत पावरफुल है, अच्छा इंद्र कम पावरफुल है, लेकिन अच्छे इंद्र के साथ में उसका ईश्वर है। लेकिन उसका ईश्वर उससे दूर बैठा हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, उसका ईश्वर उससे दूर बैठा हुआ है। जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे बचपन में हम बहुत इनोसेंट होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम में छल कपट झूठ चीटिंग बहुत सारी चीजें आ जाती है, और उसकी वजह से हमारा ईश्वर हमसे दूर होता जाता है। तो आज अच्छे इंद्र का ईश्वर उससे दूर बैठा हुआ है। अब अच्छे इंद्र का जो ईश्वर है, या सोल कहिए या आत्मा कहिए, वो अच्छे इंद्र को बार बार कहती है कि भैया सुबह जल्दी उठ जा, तुझे कॉलेज को लेट हो रहा है। अच्छा इंद्र नहीं सुनता कि भैया जल्दी उठ जा, तुझे एग्जाम पे जाना है, पबजी मत खेल। अच्छा इंद्र नहीं सुन रहा है कि भैया इनकम टैक्स की चोरी मत कर। अच्छे इंद्र को सुनाई नहीं दे रहा है। यही होता है जब हमारा ईश्वर हमसे दूर बैठा हुआ है ना, तो ईश्वर हमें कितनी भी आवाज लगा ले हमें सुनाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए बुरा इंद्र जीत रहा है। दोस्तों, अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, तो हमारा ईश्वर हमारे नजदीक आता है। और अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, तो हमारा ईश्वर हमसे दूर जाता है। आइए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ करें कि हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएं, दूसरों की मदद करें, ताकि हमारा ईश्वर हमारे नजदीक आए। क्योंकि दोस्तों, यहां पर दूसरा तो कोई है ही नहीं, सारे अपने ही हैं, सारे उसी का तो क्रिएशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और राइट साइड में जो बेल बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।